नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है, इसी पृष्ठभूमि में राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भाले राव ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर भाले राव ने एनसीपी शरद पवार गुट का दामन थामा है। शरद पवार की पार्टी में शामिल हुए सुधाकर भाले राव एनसीपी पार्टी में शामिल होने के समय महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंती पाटिल, विधायक राजेश टोपे सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे। आगामी चुनाव से पहले सुधाकर भाले राव का बीजेपी छोड़ना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उदगीर रिजर्व निर्वाचन क्षेत्र से भाले राव लगातार दो बार बीजेपी के विधायक रहे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सुधाकर भाले राव को मैदान में उतारा था और परभड़ी से डॉक्टर अनिल कांवले को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि एनसीपी के संजय बांसोड़े ने उनके खिलाफ जीत हासिल की थी। संजय बांसोड़े जो अजीत पवार की पार्टी एनसीपी में है, फिलहाल महाराष्ट्र के खेल मंत्री हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उदगीर की सीट शरद पवार की एनसीपी के पास है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में एनसीपी के संजय बांसोड़े और शरद पवार की पार्टी में शामिल सुधाकर भाले राव के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। सुधाकर भाले राव जो उदगीर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं, ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी से टिकट मिलने की संभावना नहीं थी, इसी कारण उन्होंने शरद पवार पार्टी की एनसीपी में शामिल होने का फैसला किया। अब यदि भाले राव तुतारी ने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं तो उदगीर निर्वाचन क्षेत्र में महायुद्ध से किसे टिकट मिलेगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।